सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समन की दुनिया। सो आज मैंने क्या क्या किया ये आप खुद देख सकते हैं। आज के हाइड्रेट रूटीन मेरी क्या थी, और वैसे भी आज बहुत गर्मी थी जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं किया व्लॉग बनाने को, तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ ना कुछ बनाया ज़रूर है, वो आप देखें। और हाँ, देखने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, तो फिर देखें। तो आज का दिन मेरा अच्छा गुजरा, बस ठीक था, इतना भी अच्छा नहीं गुजरा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समन की दुनिया। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और टाइम हो गया जी 6 बज के शाम के 6:24 हो गए, और अब हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि सुबह से मेरी आँख नहीं खुली, गर्मी इतनी थी, बाहर कहीं गए ही नहीं, घर में सोए रहे खूब आराम किया। और फिर 3 बजे उठ के अकेडमी गई, अकेडमी से वापस आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए, तो फिर मैंने आपको किया हाय। सो आप सब कैसे हैं? आपका तो जवाब नहीं आएगा इसमें। हाँ जी शिरोज, तुम्हारा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं बस ठीक हूँ। और तो फिर ये है कि आज शायद है कि मैं अपनी मम्मा को लेके बाहर जाऊँ, थोड़ा सा उनको सरप्राइज दूँ, क्योंकि कल मदर डे था, मैंने इतना मतलब बाहर लेके जाना था, लेके गई नहीं। अब आज लेके जाऊँगी, तो सोच रही हूँ अभी मम्मा का पता नहीं, मेरी मम्मा का मूड का कोई कंफर्म नहीं। तो लो जी, वो मेरा डॉगी आ गया, उसने मुझे देख लिया, उसने भागते आना ऐसे। देखना देखना जी, अस्सलाम वालेकुम, दूर से तो उसको भी सलाम उन्हें यार। पहले सबसे तो ये कैटो से मिलते हैं। हाय कैटो, क्या हाल है? ठीक हो? उदास लग रही है। उदास लग नहीं रही, उदास लग रहा है। सॉरी, उदास लग रही है, उदास। चीचियां बड़ी करती है मुझे, तुझे देख के गुस्सा बढ़ जाता है। 5 minutes later फिर आओ, मैंने तुम्हें पता नहीं कुछ दिखाना है। हाँ जी भाई, क्या दिखाना है मुझे छत पे? चलो, कौन सा गुड्डा? देखो वो दिखाना था यार। श्रोस, मैं हूँ पता नहीं कौन सी, तुमने स्पेशल चीज दिखानी है मुझे। ये कुछ समझ नहीं आ रही, बंदा करे क्या? ये मेरी फेवरेट जगह है, ये टैंकी के पास मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो हम अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। हाँ, अभी इस टाइम अगर रमजान हो रहे होते तो हम अफ्तारी की तैयारी कर रहे होते। कितना मजा आता था ना रमजान के रोजे में, रोजे रखते थे, खोलते थे, फिर आज आपको हम अपनी कुछ मिस्टेक्स भी बताएंगे कि जब हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हमसे क्या क्या मिस्टेक होती है, कितनी दफा मुझे कैमरा दोबारा बंद करना पड़ता है, दोबारा चलाना पड़ता है, और ये सब एक शूटिंग ही टर है। एक से गलत हो गया तो उसे दोबारा करेंगे। शिरोज को बस ये करना था, कट, सही नहीं हुआ दोबारा। और खुद जब मैंने इसे कहा है बोलो तो बोल नहीं रहा, ये तो गलत बात है। हाँ बोलो, चलो गाना सुना दो। कोई गाना नहीं आते ना, सुना दे फिर। ना तो आती होगी ना, ना सुना दे, गाने को छोड़, ना सुना। अब क्या हुआ है बस ये कहने की बातें होती हैं भाई, ये तो बहुत इजी है, मैं कर लूँगा। जब आते हैं ना कैमरे के आगे तो लग पता जाता है। एक बात मैं आपको तो बताना भूल ही गई कि ना ये 7 वाला घर है हमारे, तो ना इनकी एक ना क्या अलमास क्या कौन है, हाँ एक लड़की है, नाम मुझे नहीं पता अभी तक, साल हो गया मुझे ये, आसपास के लोगों के नाम नहीं अभी तक पता, सिर्फ सामने वालों के नाम पता है, वो भी थोड़े बहुत, वो भी मैं भूल जाती हूँ कौन कौन है। अच्छा, तो ना एक दिन वो छत पर आई तो वो बना रही थी अपनी टिकटॉक, वो टिकटॉकर थी कोई जी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने भी अपना मोबाइल शुरू करके टिकटॉक बनाना, शौकियाँ जाहिर वो मारी थी, मैंने भी शौकियाँ मार दी। तो अभी 2 दिन नहीं गुजरे, अभी 1 दिन गुजरा था, तो मेरी आ गई शिकायत।
मेरी शिकायत आई पता है क्या जी, आपका वहाँ पे एक बेटा है तो वो मेरी ना वीडियो बना रहा था मोबाइल पे। मैं तो टिकटॉकर हूँ, उसने मेरी छत पे वीडियो बनाई है, तो उनको गो अपने मोबाइल से मेरी वीडियो कर दें डिलीट। तो मेरी मम्मा ही, मेरी मम्मा कहती हाँ जी जी, उस साथ वाले लड़की की वीडियो कौन बना रहा था। मैं क्या है वीडियो शेरोज। अच्छा तो फिर पकड़ा कौन गया? शेरोज। मुंह देखे शेरोज का, मुंह देखे। हाँ मैं पकड़ा गया था इसकी वजह से। जो ये काम करती हूँ मेरे पे आते हैं कि भाई आपके लड़के ने किया था, मम्मा कहता मैं किया। तो इसी वजह से मैं कोई भी उल्टा काम करूँ नाम आता है शेरोज पे। तो मैंने हालांकि उसकी वीडियो बनाई नहीं थी, यानी कि बनाई थी हल्की सी, पीछे दो इतने से परसेंट आ गई हो तो वो मुझे नहीं पता, बट शिकायत आ गई। वो आई नहीं आई पर पूरी तरह शिकायत मेरी ज़रूर आ गई। मोहल्ले में शिकायतें बड़ी आती हैं, ये भी मुझे आज पता लग गया। आपको एक बात बताऊँ, पता है क्या, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना, मुझे कुछ समझ नहीं आती यार क्या बनाऊँ व्लॉग पे, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आती। ये होता ना, मतलब पूरी दिमाग ही ख़राब हो गया था एक हिसाब से, ये कि यार करे क्या बंदा, कुछ बनाए क्या, ये सोचे क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आती। लो व्लॉग क्या कर रहे हो? क्या कहना मम्मा? पता नहीं, मैं मामा को बुला के लाओ जरा कोई बात। चले पहले मम्मा की बात सुनते हैं फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी मम्मा। हाँ जी। अच्छा भी मेरी मम्मा कह रही हैं कि जाके अलमास की मेडिसिन ले आओ। हाँ, और वैसे भी मेरी बहन फुल बीमार रहती है, उसे पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गया उसे, तो जाना भी ना सबसे पहले जब मैं हकीम से दवाई लेके नहीं उसके पास हमने जाना, उसने पता क्या कहना है, उसने कहना है कट खा लेना सी। सारा कुछ तो खाई जाते, जब एकदम मैदा अपसेट होता था फिर हकीम के साथ पास भागते हैं जी ये। हाँ मेरे साथ भी ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि मेरी सिस्टर के साथ होता है, मैं भी जब ज़्यादा खा लूँ मेरे साथ भी ऐसे होता है। फिर मुझे पता है सबसे अच्छा बंदा कौन लगता है? मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे अच्छा है बंदा हकीम है भाई, हकीम से ही आराम आना है और किसी से आराम नहीं आना। तो हाँ जी हेलो शेरोज। देख के गई पूरा पेट, कहती नहीं मुझे भूख लगी है मैं सारे खाऊंगी। सारा खाऊंगी पता लग गया। हाँ तो ऐसे ही होता है कि जब ना बंदा ज़्यादा खा लेता ना, ओवर ईटिंग जिसे कहते हैं, ज़्यादा खानू कहते हैं ओवर ईटिंग, तो फिर जब ओवर ईटिंग ये हम मैं शेरोज अलमास कर लेते हैं ना तो लागू पता जाता है। और कुछ दिन पहले ये भी इस तरह की इसकी भी हालत थी। हाँ जी बताए। हाँ मेरी भी ऐसी होगी हालत। तो क्यों जो क्योंकि मैंने रात के 2 बजे उठ के एक खराब चीज़ खा ली थी। खराब चीज़ का नाम भी बताए? मसर चावल। इसने रात 2 बजे उठ के खा लिया मसर चावल। फिर जो सारी रात लेके सारा दिन लेके मुझे कभी ये डॉक्टर पास कभी वहाँ, तो एंड में कहाँ गए? बस हकीम के पास। हकीम जिंदाबाद। हकीम जिंदाबाद है भाई। फ्रेंड्स मैंने कहा था कि आज मम्मा के साथ हम जाएंगे बाहर, अब अंदर लगा हुआ है डैक, तो मेरी मम्मा है अंदर, तो हम जाके अंदर मम्मा से पूछते हैं कि आपका क्या मूड है। और मुझे पता है मम्मा ने बनाई है बिरयानी, और मम्मा कहेंगी कि आज मैंने बिरयानी किसके लिए बनाई है, आप लोगों के लिए बनाई है, तो फिर आज नहीं जाना, देखना पक्की बात है। चले चलते अंदर। मामा जी, मामा जी, बेटा जी, तो मैंने डिसाइड किया था एकेडमी से आते वक्त कि आप और मैं हम जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए। तो बच्चे आज बिरयानी बनाई है। मुझे पता था आज आपने बिरयानी बनाई है, आपने यही कहना है कि आज नहीं जाना, बिरयानी बनाई है। आज बिरयानी खाओ कल जाएंगे, ठीक है? मैंने कल भी बिरयानी खाई थी, मैंने उससे कल भी बिरयानी खाई थी, मैंने उससे कल भी बिरयानी खाई, और मैंने आज भी बिरयानी खाई। मैंने नहीं ना खाई। ये शेरोज को बहुत शौक होता है ना बिरयानी का, तो इसलिए मैंने बनाई है। कहता है बिरयानी बना लो मामा। नूडल्स हैं? हाँ नूडल्स हैं। चलो ठीक है, आज मैं बनाऊंगी नूडल्स ये खुद। यस। तो फिर अब हम खाते हैं नूडल्स बना के। मुझे पता था, मैंने कहा था ना मेरे मम्मा ने यही कहना है, ऐसे ही होता है।
मेरी मम्मा कल आलू बैंगन बनाएगी ना, तब भी मेरी मम्मा यही कहेंगी, अब ये सब्जी किसने खानी है? अभी पानी ने उबाला मारा नहीं, शिरोज ने पहले ही नूडल्स डाल दिए, मतलब पूरा सोच लिया बंदा कि अब नूडल्स खराब होने वाले हैं। क्यों बेटा आपने डाले पहले? पहले तूने डाले? ना ना, वीडियो स्मूथ है, वीडियो स्मूथ है। खोला किसने तो पहले? अभी देखो वीडियो स्मूथ है। खोला इसने तो पहले, शिरोज सब खोला तुमने? खोला मैंने, डाला इसने, मारा। चलो खोला क्यों तूने जब डाले नहीं थे अभी तो खोला क्यों? चलो कोई बात, इसको बड़े चूल्हे में आके बड़ा बड़ा उबाला दिलाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आज के दिन किसी की भी बर्थडे हो सकती है, उसको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो तब तक के लिए हमारे नूडल्स बने, तब तक के लिए आप वेट करो, फिर रहने दो, फिर से तब तक के लिए आप रुके ऐसे इकट्ठा हो गया। चल बस कर जा, बस कर जा, मैंने डाले थे देखा पानी, मैंने डाले थे, कोई बात नहीं, खैर है, मैंने भी तो मैंने बड़े चूल्हे पर रखे, तूने कहाँ रखे हैं? सबसे पहले हमें जरूरत है चमचे की, हमने डाल लिया मसाला बिल्कुल 2 मिनट। हाँ ये आपकी है, मेरे हाँ मेरे पॉकेट से गिर गए होंगे। और मैंने डिसाइड किया है कि मेरे व्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है, ये मैं आपको कल बताऊंगी कि मेरी क्या क्या मिस्टेक होती है और क्या क्या मैं कितनी दफा कैमरा बंद करके ऑन करना पड़ता है, फिर बंद करो फिर ऑन करो, क्या मतलब एक मिनट, अगर कोई एक वीडियो है ना मेरी तो मुझे 60 दफा ना मेरी गलती होती है, फिर मैं कहती हूँ ओ शिट यार ये नहीं है, मतलब व्लॉग बनाने में बहुत सी गलतियाँ होती हैं, ऐसे नहीं कि होती नहीं है, मुझे किसी के मैसेज आए थे यार तुम कैसे बोल लेती हो। कल मेरी व्लॉग होगी अपलोड एक, जिसमें मेरी बहुत सी मिस्टेक हैं, आपको बताया जाएगा कि किस तरह मेरी मिस्टेक होती है और किस तरह मुझे क्या क्या करना पड़ता है, तो कल देखना। आपने सोचा है कि अपने आप को टेंशन फ्री रखा करें प्लीज़, इतनी टेंशन ना लिया करें आप लोग, मैंने मेरे कुछ फ्रेंड हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ, तो सो रिलैक्स रहा करो, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, जिंदगी है ना, जिंदगी में ऊपर नीचे ऊंच नीच बड़ा कुछ होता रहता है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कुछ हो ना, वो जिंदगी क्या जिसमें कुछ हो ही ना। सो दिल पे हाथ रखें और कहें ऑल इज वेल, सब ओके यार, सब ओके है, कुछ नहीं होता, और चिल करें, अपनी लाइफ एंजॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।